रहे हैं कि एक ना एक वीडियो खराब कर दे रहा है ये। वेट फॉर अ सेकेंड, आ गया, अब आ गया, क्योंकि हम ये कर रहे हैं, पब्लिक कर रहे हैं। आ जाओ सारे बच्चे, आ जाओ सभी जल्दी से। हाँ आ जाओ सारे बच्चे जल्दी से। गाइस जल्दी से लाइव आ जाओ सारे। लाइव हो गया है। हेलो पारस, हेलो समीर, हेलो आलिया। लाइव अपने आप ये हो गया था, कैंसिल हो गया था यार। ठीक है जल्दी से आ जाओ। ठीक है चलो आ जाओ। जब इसको आप माइनस करोगे ना, ये शायद देख लो क्या आ रहा है, 403 और 243, 330 जीरो चला गया, 0.160 आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना आ जाएगा, 0.160 आ जाएगा एक्सपेरिमेंट वन में। ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंट टू देखो भाई। एक्सपेरिमेंट टू कह रहा है एम जी कितना लिए थे एक्सपेरिमेंट टू में बताओ। लिए थे 0.182 ग्राम और बना कितना, 0.302 ग्राम। ठीक है, ध्यान देना इसमें, इसको माइनस करोगे तभी तो देखो ये प्लस ये बनेगा ना। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन। क्लियर बात है? देखो बच्चा मैं ये कह रहा हूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, कि टोटल मास रिएक्शन से पहले और टोटल मास रिएक्शन के बाद वो हमेशा बराबर होता है। रिएक्टेंट का मास देखो तो इसका मास और इसका मास के बराबर आना चाहिए। रूल तो ये पढ़े थे, पहला लॉ याद करो, पहले लॉ से दूसरे लॉ हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, ध्यान देना, ये दिया हुआ ये दिया हुआ, ये वाला का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, ये दिया हुआ ये दिया हुआ इस वाले का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। क्यों? ये प्लस ये आना चाहिए, क्योंकि टोटल मास बिफोर द रिएक्शन इक्वल्स टू टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, 0.302 में से 0.182 को माइनस कर दो, देखना बच्चा क्या आ रहा है, देखना क्या आ रहा है। 2 में 2 गया 0, 10 में 8 गया 2, 0.120 के शायद आएगा, अप्रोक्स इक्वल आएगा क्या। अब ध्यान देना, एक्सपेरिमेंट वन में, इन एक्सपेरिमेंट वन mg और o का रेशियो क्या है जिससे mgo बना बताओ तो। mg क्या है, 0.243 और o क्या है भाई, 0.160। पहले एक्सपेरिमेंट की बात कर गया ये। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट टू में ध्यान देना, mg और o का रेशियो निकालना है। mg क्या है, 0.182 और ये क्या है भाई, 0.120 ये दिया हुआ है। क्या आप लोगों को दिख रहा है सारे बच्चों को? बच्चे ध्यान देना, इसको कह रहे हो एक काम करो, हम लोग कर देखते हैं कुछ कट रहा है क्या। 82 जा 160, 83 जा 240। ठीक है, 243 अप्रोक्स 240 के बराबर है, तो हम लोग अप्रोक्स ले लेते हैं। इसमें 62 जा 120, 63 जा 180 के आसपास आएगा। तो इसमें जो रेशियो जो होगा वो अप्रोक्स जो है वो हो जाएगा 3:2 के। ठीक है, इसमें भी जो रेशियो है वो अप्रोक्स हो जाएगा आपका 3:2 के। ठीक है, अब ध्यान देना, रूल क्या कहा था कि नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स आई हैव टेकन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स,
वहां पे जो MgO बनेगा, Mg और O का रेशियो हमेशा बराबर होगा। पानी जो लिए थे हम लोग अलग अलग जगह से, वहां पे H और O का रेशियो क्या आया था, याद करो। पानी जो हम लोग लिए थे वहां पे हर जगह क्या हुआ था, H और O का रेशियो क्या आया था, 1:8 आया था। कहीं से भी लिए थे उसी तरह से, यहां देखो पहले एक्सपेरिमेंट में, पहला एक्सपेरिमेंट तुम मान लो शशि के घर में कर लिए, दूसरा एक्सपेरिमेंट मान लो इतका के घर में कर दिए, दोनों अपने अपने घर में किया, और दोनों जब देखेगा दोनों में Mg और O, Mg का मास आया 0.243 और O आया 0.160। Mg और O का जो रेशियो निकालेगा इर्तका अपने घर में और शशि अपने घर में निकालेगा, दोनों जगह क्या आएगा रेशियो 3:2 ही आएगा, ठीक है। Mg प्लस O2 मिलकर जो MgO बनता है वो हमेशा रेशियो सेम देगा 3:2। जब रेशियो 3:2 आया इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या करता है, ये प्रूफ कर रहा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आया दबा के आ जाओ, कमेंट करो, कमेंट करो। किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आया बोलो, मैं फिर से समझा दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन किसी बच्चे को समझ नहीं आया जल्दी से कमेंट करो यार। हेलो मलिक, और जिनको समझ में आ गया दबा के लाइक बटन दबाए, लाइक बटन दबाओ। 991:60। देखो बच्चा एक्चुअली क्या ना, हम लोग कोशिश करते हैं सिंपल रेशियो निकालने का। इसको भी तुम काटोगे ना 32:60, 33:90, अप्रोक्स 3:2 आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे बात को। तो अप्रोक्स रेशियो मेरा आया कि नहीं आया, वही काम करना है। हाँ अप्रोक्स 3:2 आएगा, है ना, अप्रोक्स 3:2 आएगा। अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस हो सकता है ना, अप्रोक्स ले सकते हैं हम लोग, ठीक है भाई। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सारे बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी बोलो यार, ठीक है। और नंबर ऑफ व्यूअर्स बढ़ाओ अपने चैनल पे, नंबर ऑफ व्यूअर्स बढ़ाओ, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, आप लोग अपने दोस्तों को बताओ, अपने सभी दोस्तों को बताओ चैनल के बारे में। और चैनल अपना ग्रो करता हुआ दिखना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवाओ आप लोग, ठीक है बच्चा, ठीक है। और ये लॉ कौन दिया था, 1 GB डेटा वाला क्वेश्चन मैं दूंगा, आज ही दूंगा, अब बनाना फिर मैं देखूं, ठीक है ओके बच्चा। अब हेडिंग लगाएंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, स्टेटमेंट लिखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, देन डिफरेंट मासेज, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड देन डिफरेंट मासेज of one elements which combine with fixed mass of another element, which combines with fixed mass of another element bears a small whole number ratio, क्या सारे का हो गया, या मैं बोर्ड में फिर से लिखूं, सारे का हो गया है बोर्ड में लिखना पड़ेगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो यार। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड देन, लिखो यार, चलो मैं बोर्ड में लिख रहा हूं, when two elements
कंबाइन टू फॉर्म वन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड मोर देन वन कंपाउंड देन द डिफरेंट मासेज ऑफ ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन्स विद द फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट बियर्स अ स्मॉल होल नंबर रेशियो बियर्स अ स्मॉल होल नंबर रेशियो स्टेटमेंट लिख लो मुझे पता बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा स्टेटमेंट देख करके स्टेटमेंट देख के आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है ठीक है बस आप लिख लो स्टेटमेंट कहता है कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड कहता है जब एक दो एलिमेंट कंबाइन करता है एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करने के लिए तो द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट कहता है कि डिफरेंट मास जो एक एलिमेंट का हमको लेना पड़ा विच कंबाइन जो कि कंबाइन करता है किसी एक के फिक्स मास से तो वो हमेशा होल सिंपल होल नंबर रेशियो को बेयर करेगा वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो को बेयर करेगा नहीं समझ में आया कोई बात नहीं बोर्ड में देखो बिल्कुल समझ में आएगा कार्बन दो आइटम ऑक्सीजन का कंबाइन करता है और CO2 बना देता है पढ़े हो उसी तरह से यही कार्बन एक आइटम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और CO बनाता है भाई अब ध्यान देना कहता है कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड कहता है कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट है कंबाइन करता है दो अलग अलग कंपाउंड फॉर्म करने के लिए ठीक है देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट कहता है कि ऑक्सीजन का मास यहाँ पर अलग अलग है देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 32 ले रहे हैं या 16 है ले रहे हैं और इसका कार्बन का मास 12 ले रहे हैं इस कार्बन का मास 12 ले रहे हैं कहता है देन ध्यान देना समझना देन द डिफरेंट मासेज ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट मासेज ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंस विथ फिक्स मास ऑफ अनदर एलिमेंट बेयर्स अ स्मॉल होल नंबर रेशियो यानी कि इस दोनों का रेशियो निकालोगे वो हमेशा स्मॉल होल नंबर रेशियो के बराबर आएगा नहीं समझ में आया देखो भाई कहता जब दो एलिमेंट कंबाइन करा कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है ना और अलग अलग कंपाउंड बना रहा है एक CO2 बना लिया एक CO बना दिया ठीक है कहता है कि देन द डिफरेंट मासेज ऑफ वन एलिमेंट ऑक्सीजन का मास अलग अलग है कहता है वो एलिमेंट जिसका के मास अलग अलग है वो एलिमेंट जो जिसका मास अलग अलग है और वो एक किसी दूसरे एलिमेंट जिसका के मास फिर उससे जो कंबाइन किया था उस एलिमेंट का जो तुम लोग सिंपल रेशियो निकालोगे मास का वो हमेशा होल नंबर में आएगा क्लियर बात है एग्जैक्टली क्या आएगा देखो अब यहां पे देखो डिफरेंट मास किसका ऑक्सीजन का है डिफरेंट मास ऑक्सीजन का है इसका जब तुम रेशियो निकालोगे हमेशा क्या आएगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा क्या 2:1 सिंपल रेशियो नहीं हुआ ये कार्बन का मास फिक्स है इसका मास बदल रहा है अगर इसके बदलने के वजह से कोई नया चीज अलग अलग चीज पैदा हो रहा है तो इस दोनों को जब तुम रेशियो निकालोगे ना वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा कभी भी ऐसा नहीं है कि 1000/1347 आएगा सिंपल रेशियो आएगा ठीक है क्लियर बात है सिंपल रेशियो आएगा कोई टफ रेशियो दिखने में नहीं लगेगा 5:143 ऐसे करके रेशियो नहीं आएगा क्लियर बात है समझ गया हो तो जल्दी से जल्दी इसको लिख लो अगर समझ गया हो तो लिख लो यार इसको कर लो मैं एक और एग्जांपल देता हूं जल्दी करो सारे बच्चे इसको कर लिए जल्दी से एक और एग्जांपल लेते हैं देखो भाई H2 और O2 ठीक है H2 और O2 ठीक है तुम लोग पढ़े होगे मैं इसको ऐसे से बता रहा हूं समझो H जो है दो ऑक्सीजन के एटम से कंबाइन करता है ठीक है और बना लेता है H2O ये तो पढ़े होगे किसी जमाने में जब बाद में बैलेंस करना वो बैलेंस कर लेना ठीक है बाद में बैलेंस करना हो कर लेना बैलेंस ठीक है अब ध्यान देना H+2O
हाइड्रोजन जो है दो ऑक्सीजन से मिलकर कंबाइन करके H2O बनाया। इसके अलावा यही हाइड्रोजन जो है कभी कभी तुम लोग देखे होगे, ठीक है, ध्यान देना भाई, ये दो ऑक्सीजन उल्टा बोल दिए, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से कंबाइन करके H2O बना दिया। मार्कर गिर गया यार। ध्यान देना, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बना दिया, H2O बना दिया, ठीक है, दिख रहा है क्या आप लोगों को? फिर एक और देखो, कह रहा है कि एक और ऐसा हुआ, दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन से कंबाइन करके बना लिया H2O2। एनसीईआरटी पर क्या हो, बहुत अच्छी बात है, एनसीईआरटी पढ़ना है अपने को, और भी बुक्स रेफरेंस बुक में मैं कुछ बताऊंगा, उनको भी आप पढ़ोगे, ठीक है, बस एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, हम लोग कॉम्पिटिशन के लिए तैयार होना है। अभी मैं बेसिक्स ले रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो क्या बन रहा है, देखो पहले ध्यान देना बच्चा, इसमें देखो दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है और H2O बना दिया, जिसको हम लोग वाटर बोलते हैं। फिर दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन से कंबाइन करके H2O2 बना दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई बच्चा बताएगा? हाँ, कोई बच्चा बताएगा H2O2 क्या होता है? इसको हैवी वाटर बोलते हैं, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है, तुम लोग पढ़े होगे, सॉरी न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है, ये हैवी वाटर समझते हो, इंडस्ट्रियल पर्पज में यूज होता है हैवी वाटर। H2O2 नहीं पढ़े हो भाई आप लोग? कोई बात नहीं, चलो आ जाओ, 2H+OH2 बन गया। अब ध्यान देना, यहां मास देखो आप, 2H 2H, इसका मास 2, इसका मास 2, इसका मास 16, इसका मास 32, देखो ये दोनों का मास डिफरेंट है, जो कि कंबाइन किया एक फिक्स किसी दूसरे से, सुनना क्या कह रहा हूं, इसका मास डिफरेंट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो एलिमेंट है कंबाइन किया, दो अलग अलग चीज बनाया, ठीक है, तो जिसका अलग अलग प्रोपोर्शन लिए उसका रेशियो हम लोग निकालते हैं, तो वो रेशियो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो आना चाहिए। तो रेशियो क्या आएगा देखो, तो 16:32 आएगा, क्या ये रेशियो 1:2 हो गया? क्या ये सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं है? होल नंबर समझते हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब क्या है? होल नंबर है, तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं आया, ये फ्रैक्शन में आया क्या रेशियो? ऐसा आया 3.7/1.3, ऐसा आया क्या? नहीं ना आया, बस क्लियर बात है, ऐसा आया 5/2037, ऐसा आया क्या? ये हमेशा रेशियो क्या आएगा? सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा अभी अपन एक नियम निकल देंगे, बोलो क्या समझ में आ गया, कमेंट करो, जिनको समझ में आ गया बोले जल्दी, फिर अपन नियम निकल देंगे एक, जल्दी करो यार। जिनको समझ में आ गया वो जल्दी से कमेंट करे, जिनको समझ में आ गया हो वो जल्दी से कमेंट करे। बोलो भाई कमेंट करो, शशि कुमार। चलो ये लॉ कौन दिया था किसी को पता है? ये लॉ कौन दिया था बिना गूगल करे बताना भाई, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में यही फायदा होता है तुम लोगों को, तुरंत मिनिमाइज करता है, गूगल करता है, आंसर आ जाता है। यू गॉट दिस? ओके, लव यू। चलो समझ आया भाई? पारा सकार, अगर आपको समझ नहीं आया तो बोलो यार, जिसको समझ नहीं आया वो बोल सकता है। आगे एक पॉइंट लिख लो, दिस लॉ वॉज गिवन बाय जॉन डाल्टन। तौसीफ बड़ा लेट से आए भाई, अभी दिख रहे हो तुम। दिस लॉ वॉज गिवन बाय जॉन डाल्टन। चलो एक क्वेश्चन लिखो, चल बच्चा एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको मैक्सिमम कंपटीशन के बुक में ये क्वेश्चन दिखेगा आपको। लिखो, बेस्ड ऑन द अबव अंडरस्टैंडिंग कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एलिमेंट which combines
with different masses of itself with fixed mass of another element. With fixed mass of another element. लिख लिए क्या भाई? बोलो बच्चा, लिख लिए? Based on the above understanding, calculate the ratio. Based on the above understanding, calculate the ratio of the element which combines with fixed with combine with which combines with the different masses of one element with fixed mass of another element. लिख लिए? उसका मैं एक टेबल बना रहा हूं, आप लोग लिखना बिल्कुल एज इट इज टेबल बनाना जैसा मैं बता रहा हूं. मैं जिस तरह से लिख रहा हूं आपको एज इट इज लिखना है, एक भी ऑप्शन ऊपर नीचे नहीं लिखना है. इसमें रेशियो निकालना है. पारस, शशि, इर्तका, तौसीफ, आलिया, इसमें निकालो रेशियो. ये आपका क्वेश्चन ये है, निकाल के दिखाओ यार. और जिनसे ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा उनको 1 GB डेटा मेरे तरफ से. अब है ये 1 GB डेटा का क्वेश्चन, लिख देता हूं मैं 1 GB डेटा क्वेश्चन. 1 GB डेटा ऑफर. चलो जिसको वाईफाई है या फ्री का वाईफाई में जो चला रहा है उसको तो टेंशन नहीं होगा. गलत है पारस, गलत है. तुम्हारे सर जी ना बहुत चालाक आदमी है, पता है 1 GB डेटा ऐसे नहीं देते हैं. ठीक है, उसमें कुछ बात होगा उस क्वेश्चन में, तभी मैं दिया हूं. बना भाई, देखो मैं किन से हो गया, जल्दी करो. और जिनको वीडियो अच्छा लग रहा हो, जिनको मजा आ रहा हो पढ़ने में, दबा के लाइक बटन दबाओ, लाइक बटन दबाओ सारे के सारे. जिनको जिनको मजा आ रहा है सारे के सारे लाइक बटन दबाओ यार. और नंबर ऑफ व्यूवर्स बढ़ाओ. ठीक है भाई, नंबर ऑफ व्यूवर्स को आप लोग बढ़वाओ, सभी मिलके यूनाइट हो जाए. सभी बच्चे अगर हम लोग मिल जाएंगे ना, इतना ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमारा 1000 सब्सक्राइबर 2 दिन में नहीं हो जाएगा. ठीक है, हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर इस वीक के अंदर. संडे से पहले 1000 सब्सक्राइबर अपना पूरा होना चाहिए. ठीक है, और नंबर ऑफ व्यूवर्स पर डे क्लास में 30+ रखवाओ. जितने बच्चे आपके क्लास में 10th के में जो बच्चे होंगे सभी बच्चों को बुलाइए, सभी को लाइव क्लास अटेंड करवाइए, फ्री में लेक्चर हो रहा है. क्या हो गया क्या? अरे बोल दे भाई, किसी से नहीं हुआ? किसी से नहीं हुआ क्या? वन इज टू 2:1 गलत है. एक मिनट, ठीक है मैं 1 मिनट दे रहा हूं. एक जीबी डेटा गया, हाँ बिल्कुल गया.
अगर 1 GB डेटा आप लोगों का गया तो आप लोगों का सबको एक पनिशमेंट तब मिलेगा। अगर अगर जैसे आप लोग नहीं ले सके तो मुझे तो मिलना चाहिए ना, मुझे सब बच्चों की तरफ से 10-10 सब्सक्राइबर, ठीक है? अभी जितने लोग अटेंड करें 100 सब्सक्राइबर भरना चाहिए, ठीक है? सारे बच्चे चैनल के लिए थोड़ा थोड़ा मेहनत कर लो, मिल जाएगा, देखते हैं। मैं आज देखूंगा कितना सब्सक्राइबर बढ़ रहा है आज हमारा, ठीक है? क्लास 12 के जो बच्चे हैं उनको ज़रूर बताइए, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका, बहुत ही आसान और आसान चीज़ है, समझ गए? सॉलिड स्टेट टॉपिक चल रहा है क्लास 12 का, शाम में 7 बजे से 8 बजे। जो बच्चे हैं उनको ज़रूर इन्फॉर्म करें, आके वो अटेंड करें शाम में 7 से 8 सॉलिड स्टेट्स क्लास 12 का। भाई आप लोगों का हो गया 1 मिनट, अब मैं बढ़ूँ? चलो आओ जाओ, देखता हूँ। देखो N2O में ध्यान देना, N2O में नाइट्रोजन का मास कितना है? एक नाइट्रोजन एटम का मास होता है 14, तो 14 × 28 नाइट्रोजन हो गया 28। ऑक्सीजन कितना है? 16। इसमें देखो नाइट्रोजन 14 है, ऑक्सीजन 16, इसमें नाइट्रोजन 28 है और ऑक्सीजन 16 × 48, इसमें नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 32, इसमें नाइट्रोजन 28 और ऑक्सीजन 80 है, कुछ ऐसा करके सारे बच्चों का आया होगा, आया होगा, आया बच्चा? देखो रूल क्या है, यहाँ देखो हम लोग तो ये ना पढ़े थे कि किसी एक तरफ का जो है मास जो है बराबर होता है और बाकी का मास वेरी करता है, तो वेरी वाले का रेशियो निकालते हैं तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो आना चाहिए। ये तो हम लोग पढ़े हैं ना, ये तो हम लोग पढ़े हैं ना, बोलो, यही तो हम लोग पढ़े हैं ना भाई, आप ध्यान देना। यहाँ तो दोनों जगह वेरी कर रहा है, जब दोनों जगह वेरी कर रहा है हम लोग को क्या कोशिश करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि सेम आ जाए कोई एक जगह। तो इस वाले में देखना, इस तरफ देखो 28 14 28 14, इस तरफ आसान होगा। अगर हम लोग सबको 28 बना दें तो कैसा रहेगा? अगर सबको 28 कर दें तो, सबको 28 करेंगे तो रिएक्शन को इस वाले में, ये तो 28 बाय डिफॉल्ट है, इसको 28 करना है, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि पूरा रिएक्शन ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो भाई होगा क्या? बहुत अच्छा, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, फिर इसको तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 28 बना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? अपने को क्या करना है, किसी एक साइड को सारे का मास बराबर करना है, किसी एक साइड का सारे का मास बराबर कर दो और बाकी का रेशियो निकाल दो, हो जाएगा अपना रिलेशन निकल जाएगा। देखते हैं, बहुत ही मजा आएगा। देखो बच्चा मैं उसके नीचे कर रहा हूँ उसको सॉल्व, ठीक है? सेम क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ वापस से, और ये जो चेंजिंग किया उसके बाद जो मैं लिख रहा हूँ, चेंज होने के बाद क्या डिफरेंस आएगा ध्यान देना। ये 28 तो बाय डिफॉल्ट हो गया, ये 16, ये N2O बना हुआ है, ठीक है? ये 14 टू टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 28 हो गया और ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ये 32 हो जाएगा। ये क्या है भाई? NO है, कोई दिक्कत? फिर देखो यार 28 का 28 एज इट इज लिख दो, ये 48 है और ये N2O3 है। फिर देखो 28 है, ये 64 है और ये बाय डिफॉल्ट NO2 है। बोलो, ये 28 है, ये 80 है और ये N2O5 है, ठीक है? ध्यान दो भाई, ये सारे का मास बराबर हो गया। रूल क्या कहता है? अगर एक साइड का मास बराबर है हाँ, और जो कंबाइन किया दूसरे के अलग अलग वेरिएबल मास से, उसका रेशियो निकालोगे तो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। तो जिस सबका रेशियो निकालो तो क्या आएगा? ये सबका रेशियो निकालो भाई तो क्या होगा? 16:32:48:64:80। अरे सर ये तो आप 16 का टेबल पढ़ दिए, तो 16 × 16 16 × 32 16 × 48 16 × 64 16 × 80, क्यों? क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो में जो कॉमन आता है उसको लोग साइड फेंक देते हैं। हो गया हमारा रेशियो 1:2:2:3:4:5। क्लियर बात है आसान? हाँ भाई हो गया क्या? बोलो बच्चा कहाँ चले गए अभी? आशीष संकल्प समझ गया आशीष, पार सरकार कहाँ चले? बाय लिख रहे हो,
ऐसा तो नहीं कि व्हाट्सएप में किसी को मैसेज करे थे भाई अभी लेक्चर चल रहा है भाई। आशीष समझ गया क्या? आशीष बाबू समझ गए? नहीं समझे? और सही समझे या नहीं समझे? और सही समझे? व्हाट्सएप में क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आया था तो हमको बाय बोल रहे हो या उसको बाय बोल रहे हो? बोलो भाई, मुझे बाय बोल रहे हो, हम बच्चों को केमिस्ट्री दुनिया को कह रहे हो कि मैं अभी जा रहा हूँ बाद में आऊँगा, या फिर बाकी के व्हाट्सएप में बाय बोल रहे थे, ये क्लियर कर दो। हाँ भाई बोलो पारस, उसको बाय बोले? ठीक है ठीक है, चलो अच्छा है। मेरे लिए उसको बाय बोले? मेरे लिए उसको बाय बोले, थैंक यू। ओके गाइस, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। काफ़ी आसान चीज़ है ये, कोई टफ चीज़ नहीं है, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस चैप्टर में कहीं से भी कोई डाउट हमारा नहीं रहेगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट अगर लगता है तो एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैं आज लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, या फिर टेलीग्राम में आप जाके सर्च करना केमिस्ट्री दुनिया सालिक सर, केमिस्ट्री दुनिया सालिक सर, जब आप सर्च करोगे एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसमें आप आके ज्वाइन कर लेना, और आप लोगों को आप डाउट वहाँ पे पुट करना, मैं आपको बिल्कुल डाउट्स का आंसर दूंगा, ठीक है। और जिनको जिनको समझ में आया दबा के लाइक बटन बताए दबाए यार, और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइबर्स को बढ़ाओ, हमारा सब्सक्राइबर 1000 से प्लस होना चाहिए, सबको यूनाइट रहो। अरे यार चलो भाई, थैंक यू वेरी मच। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़े क्या? बोलो आगे बढ़े। अब हेडिंग लगाएंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है आशीष, देखता हूं। आशीष अंकल आप संकल्प ले लो वन के सत्सवर का, उम्मीद आज हो ही जाएगा। आप लोग सबको मेहनत करो, ठीक है, आप लोग अपने जितने ग्रुप से सब में भेजो। थैंक यू समीर खान, ठीक है, आप लोग सारे ग्रुप्स में भेजो, जितने बच्चे आपके फ्रेंड हैं सबसे सब्सक्राइब करवाओ, सबको कहो, सबको इनवाइट करो, क्या के वीडियो देखे, बहुत मजा आएगा। अगर आप लोगों को चाहिए कि 19 का भी वीडियो, तो मैं 19 का वीडियो बना दूंगा, 11 12 का तो अपना चैनल है ही, ठीक है। चलो अब हेडिंग लगाएंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और ये लॉ ना गिनती में लॉ नहीं है, ठीक है ना। अब तक कितने लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं भाई? 3 लॉ पढ़ लिए, गिन लो तो कितने लॉ अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहला पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा क्या पढ़े थे, कितने लॉ पढ़े बता दे कोई बच्चा? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, फिर हम लोग पढ़े लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, 3 लॉ पढ़े थे। अब ये जो चौथा है ना, वो लॉ जो है वो लॉ के अकाउंट में नहीं आता है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे, इसको गिनती नहीं करेंगे। 1 2 3 जब तक नंबरिंग कर रहे थे ना, अब नंबरिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे इस वाले में हैशटैग, क्या लिखेंगे, इसको काउंट नहीं करना है, ये गिनती में नहीं आता लॉ के, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को सोचते हुए, इसलिए आप लोग इसको हैशटैग लॉ भी बोल सकते हो। हेडिंग लगाएंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं हैशटैग लॉ। ये लॉ आप लिख लो, दिस लॉ इज नॉट काउंटेड इन लॉ। यार रहने दो, मुंह से बोल दिया काफी है, यार लिखना है लिख देते हैं, बाद में एग्जाम में देखोगे ना। This law is not taken in count of laws, but
इट इज इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग कहीं रफ में लिख लो, छोटा सा लिख लो कुछ भी. ये तो मैं आपसे लिख दिया आपको क्योंकि ये लाइव वीडियो है. बहुत बच्चे बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं इसलिए उनको ये लिखने के लिए नोट्स में रह जाएगा. लिख लिए क्या? चलो इसका स्टेटमेंट लिखो. इसका स्टेटमेंट लिखो, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली when two elements combine separately with a fixed mass of third element, then the ratio, मैं लिख ही दे रहा हूं, when two elements, आप लोग लिख चुके हो ना, when two elements combine separately with a fixed mass of third element, then the ratio of masses, then the ratio of masses in which they do so, then the ratio of masses in which they do so bears a small whole number ratio bears a small whole number ratio to the masses in which they themselves combines. बस स्टेटमेंट आप लिख लो यार, बस स्टेटमेंट लिख लो और कुछ नहीं लिखना है. बस स्टेटमेंट लिख लो और कुछ नहीं लिखना है. चार्जर इसका चला गया, देखना लैपटॉप में बैग में. बस आप स्टेटमेंट लिख लो यार, when two elements combine separately with a fixed mass of third element, then the ratio of masses in which they do so bears a small whole number ratio to the masses in which they themselves combines. In which they themselves combines. जल्दी 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 करो भाई. बीच में और करके लिखो एक पॉइंट, बीच में और करके एक पॉइंट लिखो, बीच में और करके लिखो द रेशियो, बीच में और करके लिखो द रेशियो ऑफ द वेट्स ऑफ टू एलिमेंट्स, द रेशियो ऑफ द वेट्स ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी. इसको और करके थोड़ा अलग ढंग से लिख रहे हैं हम लोग. लिखो द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी. लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं, इसको और करके आप ये भी लिख सकते हो, विच कंबाइन सेपरेटली, विच कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास, with a fixed weight of third element C, with a fixed mass of third element C E
इज आइदर द सेम और इज आइदर द सेम और सम मल्टीपल ऑफ द वेट्स ऑफ सम मल्टीपल ऑफ द वेट्स इन विच ए एंड बी डायरेक्टली कंबाइन्स विथ ईच अदर देखो स्टेटमेंट देखिए कुछ समझ में नहीं आएगा, हमको पता है, जब हम आपको समझाएंगे फिर आपको समझ में आएगा। क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी विच कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट सी इज आइदर द सेम और सम मल्टीपल ऑफ द वेट्स इन विच ए एंड बी डायरेक्टली कंबाइन्स विद ईच अदर। लिख लिए बच्चा, लिख लिए सारे बच्चे, जल्दी बोलो सारे बच्चे, अगर लिख लिए हो तो जल्दी बोलो। ओके, सारे का हो गया, जल्दी बोलो। ये रेड वाला भी लिख लिया ना, ये स्टेटमेंट ये भी लिख सकते हो आप, ये वाला भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, दोनों सही है। अब आगे लिखो, दिस लॉ वॉज गिवन बाय जे रिचर दिया था। कौन दिया था? जे रिचर। हो गया क्या? अरे हो गया, बोलो। हो गया तो बोलो। कृष्णा गुप्ता, ये पहला लेक्चर एक्चुअली में बोला जाए तो हम लोग बेसिक्स ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, और आज का जो लेक्चर है वो एक्चुअली में अगर आप शुरू से करते तो आपको बिल्कुल समझ में आता, ठीक है? शुरू से अगर आप करते तो आपको बिल्कुल समझ में आता, और ऐसा करना कि आज का लेक्चर अटेंड कर लो और वापस से आज रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख लेना। रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख लोगे तो आपको बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। पहले लॉ से लेकर के स्टार्ट होता है, आपके बुक में पहले लॉ से स्टार्ट किया गया, लेकिन इस लॉ से पहले हम कुछ बेसिक्स पढ़वाए हैं, ठीक है? वो बेसिक्स आपका छुटा हुआ है, ठीक है भाई? चलो इस लॉ को एक बार हम लोग समझ लेते हैं, फिर आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। ये रेड वाला पोर्शन अपन मिटाएं क्या? रेड वाला पोर्शन एक बार मिटा के देखते हैं, है ना? चलो, क्योंकि जगह फिर बचेगा नहीं, बोर्ड तो भर गया। कहता है तीन एलिमेंट ले लो, ठीक है? तीन एलिमेंट ले लो, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, ठीक है? तीन एलिमेंट ले लिए हम लोग, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन किया, ठीक है भाई? सल्फर और ऑक्सीजन भी कंबाइन किया। कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन करेगा क्या बनेगा? CO2। सल्फर ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, मान लो SO2 बन गया। और कार्बन सल्फर कंबाइन करेगा क्या बनेगा? CH2 बनेगा। बनेगा क्या, बोलो? बनेगा भाई, इसका रेशियो निकालो क्या आएगा? 12:32 आया क्या? और ये रेशियो क्या आया भाई? सल्फर ऑक्सीजन का रेशियो क्या आएगा? देखो 32:32 आएगा क्या? आएगा। और ये रेशियो देखो क्या आएगा? 12:64। समझना लॉ कहता क्या, बहुत ही आसान चीज है। कहता है कि द रेशियो ऑफ मासेस, कह रहा है व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। कहता है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करता है किसी थर्ड एलिमेंट के फिक्स्ड मास से, तो व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, जब दो एलिमेंट कंबाइन करता है किसी फिक्स्ड मास थर्ड एलिमेंट के, तो कहता है कि द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो,
कहता है द रेशियो ऑफ मासेस, द रेशियो ऑफ मासेस उस रेशियो में जिसमें कि ये लोग कर रहा है थर्ड एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है, ठीक है, वो एक होल नंबर रेशियो बेयर करता है अगर ये कार्बन सल्फर खुद से कंबाइन कर ले। समझना क्या था, कार्बन सल्फर अगर कंबाइन करता है विद अ फिक्स्ड मास, फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर जो है कंबाइन कर रहा है किसी फिक्स्ड मास थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन के, तो कार्बन सल्फर जो कंबाइन किया सीओ टू बनाया और एसओ टू बनाया, तो सीओ टू और एसओ टू में जो रेशियो आएगा उस दोनों रेशियो को अगर आप लोग डिवाइड कर दो, सीओ टू में जो सीओ टू और एसओ टू में दोनों रेशियो को आप डिवाइड करो क्या आएगा, देखो तो 32:32 कुछ ऐसा आया, देखो तो जब सॉल्व करेंगे अपन क्या आएगा, ये 12:32 ही रह जाएगा शायद, करना तो हो गया। फिर कहता है कि कार्बन एंड सल्फर देमसेल्फ कंबाइन, यानी खुद से जब कंबाइन करता है तो वो वाला रेशियो क्या आएगा, देखो तो ये 12:64 आएगा। क्या समझना बच्चा मैं क्या करो, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और सच बता रहे हैं बुक रीडिंग करके कभी समझ में नहीं आएगा जब तक आप ढंग से लेक्चर नहीं देखो। क्या कह रहा है, कहता है कि हम लोग तीन एलिमेंट, ये हमेशा थ्री एलिमेंटल रिएक्शन होगा, जो हम लोग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं ये थ्री एलिमेंटल रिएक्शन होता है। थ्री एलिमेंटल रिएक्शन मतलब तीन एलिमेंट से मिलकर जो रिएक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्री एलिमेंटल रिएक्शन बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है तीन एलिमेंट है, कहता कार्बन और सल्फर अगर फिक्स मास किसी थर्ड एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है, देखो तो इसमें भी O2 इसमें भी O2 है कि नहीं है, तो ये CO2 बना दिया SO2 बना दिया, दोनों में जो ऑक्सीजन क्या 32 ही ले रहे हैं हम लोग, ये दोनों अपना अलग अलग है। तो कहता है कि अगर कोई दो एलिमेंट किसी थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन करता है तो ये दोनों जो रेशियो होगा, इस दोनों का जो रेशियो होगा दोनों का डिवाइड कर दो, ठीक है, दोनों का डिवाइड कर दो, और जब वो खुद से जो कंबाइन करेगा, जो खुद से जो कंबाइन करके एक अलग रेशियो उधर आया, देख रहे हो अलग आ रहा है रेशियो, तो इस दोनों रेशियो को जब तुम डिवाइड करोगे तो वो हमेशा बराबर होगा किसके, सिंपल होल नंबर रेशियो, किसको तुम सॉल्व करो क्या आएगा, 12/32 है डिवाइडेड बाय क्या है भाई, 12/64 है, तो ये पलट जाएगा ना, 12/32 × 64/12, तो क्या आ गया 2 times 12 कट गया, 2:1 रेशियो आ गया, यही कह रहा था, नहीं समझा, देखो बच्चा, किसी बच्चों को अगर समझ नहीं आया तो बोलो जल्दी से, जिनको रिपीट करवाना है बोलो यार, या रिपीट करवाना है या कहाँ से कहीं कहीं समझ नहीं आया तो बोलो, कह क्या रहा है, कार्बन सल्फर किसी थर्ड एलिमेंट से कंबाइन किया उसमें रेशियो दो, कार्बन सल्फर दो, कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन किया उसका रेशियो लिख लो, सल्फर ऑक्सीजन से कंबाइन किया उसका रेशियो लिख लो, इस दोनों रेशियो को डिवाइड कर दो, दोनों रेशियो डिवाइड करो एक नया रेशियो आएगा ना, उस रेशियो को साइड करके रख दो, साइड करके रख दिया, उसके बाद कार्बन सल्फर खुद से लड़ाई करवा दो, ठीक है, खुद से लड़ाई करवा दो, जब ये खुद से लड़ाई कर लेगा, ठीक है, तो वो कुछ रेशियो आएगा, वो जो अभी वाला रेशियो आया और पुराना वाला रेशियो जो हम लोग साइड करके रखे थे दोनों को डिवाइड करोगे ना, वो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा, यही कहा था जे रिचर, ऐ सर जबरदस्ती करे रूल तूल बना देता है ना। समझ में आया कि नहीं आया, देखो भाई क्या कह रहे हैं, किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो कमेंट करें, जल्दी करो यार। दिलनवाज बाबू थैंक यू वेरी मच, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो बच्चे 11th 12th हैं प्लीज़ उन तक जरूर शेयर करना है ये वीडियो, आप लोगों का एक एक छोटा छोटा इफर्ट जो है हमारे चैनल को और भी ग्रो करवाएगा। ओके पारस अकाड़े, उम्मीद है समझ गए होगे आप लोग, आलिया मलिक रियाज शशि कुमार इर्तका यासीन और किसी बच्चे को समय किए हुए हैं, ओके थैंक यू वेरी मच, बाकी लोगों को भी प्लीज अगर नहीं समझ आया तो बोलो जल्दी से, नहीं समझ आया तो बोलो जल्दी से, थैंक यू वेरी मच पारस अकाड़े, आप लोगों का सपोर्ट की वजह से सब हो पा रहा है, आप लोग सभी सपोर्ट करोगे तो उम्मीद है हम लोग बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे बहुत जल्द, बाकी इसको जल्दी से नोट कर लो सारे बच्चे, सारे बच्चे जल्दी से इसको नोट करो यार। और उम्मीद है अब आप लोगों को लाइटिंग में प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, सर लाइट इश्यूज नहीं आ रहा है, लाइट वगैरह सही है ना भाई, जो लाइट्स वगैरह वो सब सही है ना, ऐसा नहीं ना कि सर लाइट्स की कमी है, सर
वीडियो नहीं दिख रहा है, हो गया सारे बच्चों का, हो गया बच्चे जल्दी बोलो यार, पारस का बसवा, बाकी बच्चे लिख लिए क्या, जल्दी करो, एक और एग्जांपल लें, एक और एग्जांपल लें, कोई बात नहीं एग्जांपल और लेते हैं, क्या पिन करते हैं बाबू, क्या पिन कर दें, कौन से कमेंट को पिन कर दूं बताओ, पारस किस कमेंट को बोल रहे हो पिन करने के लिए, पारस कौन से कमेंट को पिन करने बोल रहे हो, जल्दी बोलाओ, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बोलो, मुझे कमेंट तो नहीं दिख रहा कौन सा पिन करना है, ठीक हूँ दिलनवाज बाबू, आप लोगों को समझ में आ गया तो दबा के लाइक बटन दबाओ, लाइक बटन दबाओ यार जल्दी से, टेलीग्राम लिंक में वीडियो खत्म होने के बाद मैं डाल के पिन कर दूंगा, ठीक है, ओके बच्चा, एक और एग्जांपल लें, एक और एग्जांपल लूं भाई, एक और एग्जांपल लूं, बोलो बोलोगे तो मैं एक और एग्जांपल लूंगा या फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड कर दूंगा, नेक्स्ट एग्जांपल लूंगा, बोलो आज एग्जांपल लूं या दूसरे दिन, बोलो जैसा अच्छा लगे आप लोगों को मैं वैसा करूंगा, इनफैक्ट व्यूवर्स तो आप हो, एक और एग्जांपल लें कि आशीष, आशीष सो गए क्या, बोलो भाई, आज के लिए इतना नहीं रहने देते हैं, ठीक है, चलो वेरी गुड, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी खाना खाना है, अब हम लोग भूखे भूखे पढ़ा रहे हैं, पता है बच्चा, अभी जो है हम लोग भूखे ही पढ़ा रहे हैं, ये तो पता ही होगा, और बिल्कुल एनर्जी के साथ पढ़ाना पड़ता है, बस इसीलिए कि आप लोग ढंग से पढ़ सको, लाइव का टाइमिंग ये फिक्स है तो ये आप लोगों को पढ़ाना पड़ता है, ठीक है बाबू, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस रिलेटेड एग्जांपल करेंगे, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज दबा के लाइक बटन दबाओ, दबा के लाइक बटन दबाओ, दबा के लाइक बटन दबाओ, लाइक बटन तोड़ दो पकड़ के, ठीक है, दोबारा लाइक नहीं दबाना, एक बार ही लाइक दबाना है, दोबारा लाइक हो जाता है, लाइक हट जाएगा, जो बच्चे लाइक नहीं किए सभी लाइक कर दें, और देखो बाबू बाकी बच्चों तो प्लीज आप वीडियो को शेयर करें, उनको वीडियो शेयर करें, उनको बताएं चैनल के बारे में, खुद से बताओ, सभी बच्चे केमिस्ट्री दुनिया के जितने स्टूडेंट हैं वो खुद इसके प्रचारक हैं, ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों को भी कहेंगे सब्सक्राइब करें, उम्मीद है हम लोगों को बहुत मजा आएगा, शाम में 12th का लेक्चर चल रहा है हमारा सॉलिड स्टेट, उसमें भी आप लोग जिनको देखना है वो आ सकते हैं, आपके भैया आपकी दीदी अगर वो भी कोई है तो वो भी आकर वीडियो लेक्चर देख सकती है, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद, मैं कोचिंग से लाइव आया हूं अपने कोचिंग से ही, ब्रेनी यूनिवर्स, ओके गाइस, बाय, लव यू ऑल।